गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है साइकोमेट्री ऑफ एयर कंडीशनिंग प्रोसेस एंड लोड कैलकुलेशन। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंसिबल हीट फैक्टर। सो जैसे कि आप हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि जो हमारी हीट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट होती है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसका सिर्फ राइज होता है, उसका जो फेज चेंज नहीं होता है। जबकि लेटेंट हीट में हमारा फेज चेंज होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, जैसा भी हमारा कंडीशन है। सो हमारे ऐसे ही साइकोमेट्रिक जो प्रोसेस होते हैं उसमें हमारे पास में दोनों तरह की हीट होती है, सेंसिबल हीट भी होती है और लेटेंट हीट भी होती है। सो फॉर ए गिवन साइकोमेट्रिक प्रोसेस हीट एडिड मे बी स्प्लिट अप इनटू सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो तरह की हीट होती है साइकोमेट्रिक प्रोसेस में, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सो द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट ट्रांसफर टू टोटल हीट ट्रांसफर इज नोन एज SHF या फिर सेंसिबल हीट फैक्टर। तो जो टोटल हीट का जो सेंसिबल हीट वाला पार्ट है उससे उसको अगर हम टोटल हीट से डिवाइड कर देंगे तो हमें SHF मिल जाएगा, यानी कि सेंसिबल हीट फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन डायग्राम में हमने दिखाया कि पहले जो प्रोसेस हुआ वो सेंसिबल हीटिंग है क्योंकि ये इसमें हमारा ओमेगा कांस्टेंट है और हीट हमारी जो एंथैल्पी इंक्रीज हुई H1 से H2 तक। उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस है जिसमें हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारा ओमेगा बढ़ रहा है, इसमें हमारी हीट एंथैल्पी इंक्रीज हुई है H2 से H3 तक और हमने इन दोनों प्रोसेस को एक साथ जोड़ दिया। तो हमारा फाइनल जो टोटल हीट इंक्रीज हुआ या एंथैल्पी इंक्रीज हुई वो है H1 से लेके H3 तक। सो हम सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट। सो जो हमारी टोटल हीट है वो दो पार्ट है उसके, एक लेटेंट हीट है और सेंसिबल हीट है। तो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस था 1 से लेके 3 तक गया तो हमारी टोटल हीट हो गई H3 माइनस H1 और हमारा इसका जो लेटेंट हीट का पोर्शन है यानी कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के जो पोर्शन है वो है जो 2 से 1 तक जो है H2 माइनस H1, ये हमारा सेंसिबल हीट है और H3 माइनस H2 ये हमारा लेटेंट हीट है। तो हम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने के लिए H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय H3 माइनस H1। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सोर्स ऑफ सेंसिबल हीट, हमारी जो सेंसिबल हीट है वो कहाँ कहाँ से आती है। एक तो सोलर रेडिएशन, जो सूरज की जो रोशनी है उससे हमारा जो टेम्परेचर राइज होता है क्योंकि उसमें कोई हमारा वाटर कंटेंट या वेपर तो होता नहीं है, सो वो हमारा सेंसिबल हीट में ऐड होता है। उसके बाद जो ऑक्यूपेंट्स यानी कि जो लोग रूम में या उस स्पेस में बैठे हुए हैं तो वो डेफिनेटली जब वो बैठे हैं रूम में तो वो कुछ ना कुछ हीट उनकी बॉडी छोड़ती है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। तो वो हर समय कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर करता रहता है। उसके बाद आता है इनफिल्ट्रेशन एयर, मतलब जो हमारी बाहर से जो एयर है, जैसे हमारी विंडोज है, हमारे डोर्स हैं, वो 100% तो सीलिंग होती नहीं है उनकी, तो वहां से कुछ ना कुछ एयर लगातार अंदर आती रहती है तो वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ हीट लेके आएगी बाहर से, क्योंकि हमारा जो स्पेस है या रूम है वो लोअर टेम्परेचर पे है तो बाहर से जो एयर आएगी वो हायर टेम्परेचर पे होगी। उसके बाद है हीट लीक थ्रू वॉल्स, रूफ एक्सेट्रा। तो ऐसे ही क्योंकि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारी जो हीट है एम्बिएंट टेम्परेचर की उसको वॉल और रूफ जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली रूम में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारे लेटेंट हीट के सोर्सेज हैं ऑक्यूपेंट्स,
क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वहां से कुछ, जैसे जिसको हम बोलते हैं स्वेटिंग, स्वेटिंग से कुछ मॉइस्चर भी उसमें जाता है। ऐसे ही जो इन्फिल्ट्रेशन एयर है, बाहर की जो एयर है वो अपने साथ कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी लेके आएगी। तो ये दो तरह की हीट हमारे किसी भी प्रोसेस में या किसी भी एयर कंडीशन रूम के लिए हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करने से पहले हम जो सबसे पहले जानेंगे कि अगर हमारी दो स्ट्रीम्स हैं उनको अगर मिक्स हम करते हैं तो हमें फाइनल वैल्यूज हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें ऐसा ही होता है कि कुछ एयर हमारी रूम में जो ऑलरेडी है उसको हम लेते हैं, कुछ एयर हम बाहर से लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, कूल करते हैं और फाइनली सप्लाई करते हैं। तो दोनों दो स्ट्रीम्स की मिक्सिंग हमको मालूम होना चाहिए। सो लेट अस कंसीडर एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स ऑफ मॉइस्ट एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हम मान के चल रहे हैं दो कंडीशन हम यहाँ पे मान रहे हैं, एक तो कॉन्स्टेंट प्रेशर है हमारा और दूसरा एडियाबेटिक मिक्सिंग है। एडियाबेटिक मिक्सिंग का मतलब है कि एनवायरमेंट में हमारी कोई हीट रिजेक्ट नहीं हो रही है। जो हीट हमारी स्ट्रीम वन लेके आ रही है, जो हीट हमारी स्ट्रीम टू लेके आ रही है, वो दोनों मिक्स करके फाइनल स्ट्रीम बना रहे हैं। एनवायरमेंट को कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा मास का कहीं पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। अगर पहली स्ट्रीम वन है उसका मास एम ए है, एम ए वन जिसको हमने डिनोट किया है, दूसरी स्ट्रीम एम ए टू है, तो इन दोनों मास के सम के इक्वेलेंट हमारा फाइनल मास हमको लोकेशन थ्री पे मिलना चाहिए। तो वो इक्वेशन हमने यहाँ पे दिखी है, एम ए थ्री इक्वल टू एम ए वन प्लस एम ए टू। जो हमारा फाइनल मास होगा पोजीशन थ्री पे वो दोनों स्ट्रीम्स के मास के सम के बराबर होगा। ऐसे ही जो हमारा वाटर वेपर पहली स्ट्रीम में आ रहा है और दूसरी स्ट्रीम में आ रहा है, तो उन जो फाइनल हमारा वाटर वेपर होगा, वाटर कंटेंट, वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना कहीं पे रिमूव हो रहा है। तो मास ऑफ वेपर जो पोजीशन थ्री पे हमको मिलेगा, पोजीशन वन और पोजीशन टू के मास के वेपर के मास के सम के बराबर होगा। हम एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू एम वी बाई एम ए। तो यहां से हम एम वी की जगह मास हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो एम वी इक्वल टू ओमेगा इंटू एम ए। तो हमने एम वी की जगह में एम ए और ओमेगा को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है और हमें इक्वेशन मिलेगी एम ए थ्री प्लस ओमेगा थ्री इक्वल टू एम ए वन प्लस ओमेगा वन प्लस एम ए टू प्लस ओमेगा टू। और हम पहली इक्वेशन जो हमने सबसे पहले जो लिखी है एम ए थ्री को हम एम ए वन प्लस एम ए टू भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे एम ए थ्री की जगह एम ए वन प्लस एम ए टू से रिप्लेस करेंगे और इसको फाइनली जब हम रीअरेंज करेंगे एम ए वन वाली टर्म्स एक तरफ लिखेंगे और एम ए टू वाली टर्म्स एक तरफ लिखेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी, एम ए वन ब्रैकेट में ओमेगा वन माइनस ओमेगा थ्री, एम ए टू ब्रैकेट में ओमेगा थ्री माइनस ओमेगा टू। और अगर इस इक्वेशन को हम एम ए वन डिवाइडेड बाई एम ए टू की फॉर्म में लिखें तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इसको हमने इक्वेशन टू मार्क किया है। सो नाउ अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है क्योंकि ये एडियाबेटिक जो हमने मिक्सिंग पहले से इसको माना है। तो जो हमारी स्ट्रीम वन है उसकी एंथैल्पी अगर एच वन है, स्ट्रीम टू की एंथैल्पी एच टू है, तो फाइनल जो मिक्सिंग के बाद हमें स्ट्रीम मिल रही है एच थ्री, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। और टोटल एंथैल्पी को हम मास इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हमने एम ए एच थ्री एम ए थ्री एच थ्री इक्वल टू एम ए वन एच वन प्लस एम ए टू एच टू, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई इक्वेशन थ्री। अगेन एम ए थ्री की जगह हम एम ए वन प्लस एम ए टू लिख सकते हैं और अगेन इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे एम ए वन को वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे, एम ए टू वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे और एम ए वन बाय एम ए टू निकालेंगे तो ये इक्वेशन फोर हमारे पास में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम यहां से इक्वेशन जो सेकेंड हमने निकाली थी और इक्वेशन फोर हमने निकाली थी, दोनों ही एम ए वन डिवाइडेड बाय एम ए टू की फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है तो हमारे राइट हैंड साइड भी दोनों के सेम होंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एम ए वन डिवाइडेड बाय एम ए टू इक्वल टू ओमेगा थ्री माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय ओमेगा वन माइनस ओमेगा थ्री। ये हमारी है इक्वेशन सेकेंड से, और फोर्थ से
ये आ जाएगा हमारे पास S3 माइनस S2 डिवाइडेड बाय H1 माइनस S3। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा एयर है हम उसको आइडल गैस मानते हैं, तो हमारी जो एंथैल्पी है आइडल गैस की उसको हम सीपीटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हम सीपीटी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो सीपी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास टेम्परेचर बचेगा। तो हम H3 माइनस H2 को T3 माइनस T2 और H1 माइनस H3 को T1 माइनस T3 भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन हमारी जो हमने यहाँ पे इस ब्लॉक में दिखा रखी है इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग लाइन इक्वेशन। और ये जो डायग्राम में हमने दिखा रखा है कि ये हमारी जो स्ट्रीम थी 1, दूसरी स्ट्रीम थी 2, इन दोनों को हमने मिक्स किया और फाइनल इक्वेशन जो हमारी जो फाइनल स्ट्रीम मिली उसकी पोजिशन समवॉट यही 3 पे हमको मिली। सो जो हमारी फाइनल जो स्ट्रीम होगी उसकी पोजीशन हमेशा 1 और 2 की जो जॉइनिंग लाइन है उस पे ही कहीं ना कहीं होगी, इससे बाहर कहीं नहीं होगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनिंग लाइन। यहाँ पे एक और जो ऑब्जर्वेशन है दैट रिजल्टेंट पॉइंट 3 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 1 एंड 2 इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। जो हमारा पॉइंट 3 है जो कि रिजल्टेंट है दोनों के मिक्सिंग का, वो लाइन 1 और 2 को इन दोनों के मास के इनवर्स के रेशियो में कट करता है। मतलब अगर हमारा मास 1 का ज्यादा है सो ये हमारे जो आप यहां पे इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जो T3 माइनस T2 मतलब कि T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T3, तो ये जो मास का जो है दोनों का रेशियो इन दोनों लाइन के इनवर्सली इसको ये कट करेगा जो पॉइंट नंबर 3 है। नेक्स्ट इज रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। सो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था फ्रेंड्स वो था सेंसिबल हीट फैक्टर, यानी कि हमें कोई भी प्रोसेस है उसमें अगर दो पार्ट्स हैं हीट के, एक सेंसिबल पार्ट है एक लेटेंट पार्ट है, तो हम सेंसिबल पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल हीट निकालेंगे तो सेंसिबल हीट फैक्टर मिलेगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, तो हम यहाँ पे एक रूम की बात कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रूम सेंसिबल हीट टू टोटल रूम हीट। तो यहाँ पे जो हमारा रूम की जो सेंसिबल हीट है उसको अगर हम रूम की टोटल हीट से डिवाइड कर दें तो हमारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर मिल जाएगा। सो इस लाइन को हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। मान लीजिए जो ये पोजीशन R है जिसको हमने यहाँ पे R से डिनोट किया है, ये हमारे रूम की इनसाइड कंडीशन है, यानी कि जो हमारा रूम है उसकी अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर और RH इतना होना चाहिए, और जो हमारी सप्लाई एयर है जो हमारी कूलिंग यूनिट से आ रही है उसकी कंडीशन हमने S से डिनोट कर रखी है। तो अगर हम इन दोनों पोजीशन को ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से तो इस लाइन को हम बोलते हैं RSHF लाइन, यानी कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। मैं दोबारा एक बार बताता हूं कि जो R है वो हमारा रूम का इनसाइड टेम्परेचर, मान लीजिए हमको रूम में टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस 50% RH, तो वो हमारा है R। दूसरा पॉइंट है हमारा S यानी कि सप्लाई, जो हम एयर मान लीजिए हमारे रूम में एयर कंडीशन लगा हुआ है तो उससे सप्लाई हमको रूम में चाहिए 15 डिग्री टेम्परेचर, तो डेफिनेटली जो हमारा सप्लाई एयर होगा उसका टेम्परेचर उससे कम ही होना चाहिए। मान लीजिए हम सप्लाई कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस और 60% RH पे, तो वो कंडीशन जो है वो हमने S से दिखाई हुई है। अब ये एयर जाती है अंदर रूम में और मिक्स होती है और फाइनली हमें डिजायर्ड लोकेशन जो R है पोजिशन है वो मिल जाती है, और इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको हम RSHF लाइन कहते हैं। और फर्दर अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें और सेचुरेशन कर्व तक, तो जिस पॉइंट पे ये सेचुरेशन कर्व को ये लाइन कट करेगी उसे हम रूम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या फिर रूम ADP यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने जो टोटल हीट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक RSH है यानी कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर जो यहाँ S से लेके और इसको हॉरिजॉन्टल यहां तक है, और इस पॉइंट से ऊपर R तक जो पार्ट है वो हमारा लेटेंट हीट का पार्ट है, और S से R का जो टोटल चेंज है उसको हम रूम टोटल हीट बोलते हैं।
सो फ्रेंड्स यही हमने यहाँ पे पूरा बताया है दैट द कंडीशन एयर सप्लाई टू रूम मस्ट हैव द कैपेसिटी टू टेक बोथ रूम सेंसिबल हीट एंड रूम लेटेंट हीट लोड्स। तो जो हम कूलिंग एयर यानी कि जो एस पे एस पोजिशन पे जो हम एयर रूम में भेज रहे हैं उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो रूम की जो लेटेंट हीट है और जो सेंसिबल हीट जो है उसको वो कैटर कर सके, दोनों को वो लेकर एब्जॉर्ब करके रूम को उसके डिजायर्ड कंडीशन पे मेंटेन कर सके। द पॉइंट एस शोज द एयर सप्लाई कंडीशन, जैसे कि हमने बताया कि जो एस है वो एयर की जो सप्लाई कंडीशन है, जो कूलिंग होके आ रही है वो हमारी एस से डिनोट है। एंड पॉइंट आर शोज द रिक्वायर्ड फाइनल कंडीशन इन द रूम, आर उस लोकेशन को दिखा रहा है जो हमारी रूम में डिजायर्ड कंडीशन है। लाइन आर एस इज कोल्ड आर एस एच एफ लाइन यानी कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। सप्लाई एयर हैविंग कंडीशन गिवन बाय एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन वुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम विद एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने यहाँ पे इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, S1, S2, S3, S4, इनका क्या मतलब है। सो जो लाइन S और R को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम अगर एयर है तो वो फाइनल रूम कंडीशन हमारी मीट कर जाएगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ एयर हम देंगे। सो जैसे जैसे हम S से R की तरफ बढ़ेंगे यानी कि S1 से S4 की तरफ जाएंगे तो अमाउंट ऑफ एयर हमें ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। वो आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो हमारा S4 है उसका टेम्परेचर R के बहुत पास है, तो हमें बहुत सारी एयर S4 टेम्परेचर पे भेजनी पड़ेगी रूम में जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। अगर हम S पोजिशन है जो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो हम थोड़ी सी एयर, थोड़ा सा यानी कि मास ऑफ एयर बहुत कम भेज के भी रूम को ठंडा कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम एयर जो है वो ADP जो हमारा पॉइंट है जो यहाँ पे ये लाइन सेचुरेशन कर्व को कट कर रही है, अगर इस पोजीशन की एयर भेजें तो हमें सबसे कम मास एयर का भेजना पड़ेगा रिक्वायर्ड रूम कंडीशन को मीट करने के लिए। तो द टेम्परेचर एट विच RSHF लाइन इंटरसेक्ट द सेचुरेशन कर्व इज नोन एज रूम एपरेटस ड्यू पॉइंट और रूम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये मैं पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स कि अगर हम RSHF जो लाइन है उसको अगर एक्सटेंड करते हुए सेचुरेशन कर्व को कट करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो सेचुरेशन कर्व को कट करती है उसको हम रूम ADP या फिर रूम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज वेंटिलेशन एयर। सो जो अभी हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, उसमें हमने क्या किया कि जो रूम की एयर है उसका कुछ पार्ट लिया, उसको कूल किया, वापस रूम में भेज दिया और जो टेम्परेचर है रूम का हम उसकी मदद से मेंटेन कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रूम में अगर मान लीजिए 100 क्यूबिक फीट एयर है तो उसमें हमने 20 क्यूबिक फीट एयर ली, उसको ठंडा किया और वापस रूम में भेज दिया और जिससे कि उसने बाकी बची हुई एयर में मिक्स होके टोटल टेम्परेचर रूम का मेंटेन कर लिया। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जो एक्चुअल लोकेशंस हैं या हमारे कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं उसमें हमें कुछ फ्रेश एयर लगातार भेजनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारी एयर रूम में है अगर हम उसे ही लगातार सर्कुलेट करते रहेंगे तो अगर वहां पे जो लोग बैठे हैं वो लगातार इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं यानी कि वो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लगातार छोड़ रहे हैं तो जो हमारी एयर की जो क्वालिटी है वो लगातार डिटोरिएट होती जाएगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, उसमें और भी अदर हमको कुछ स्मेल्स भी आ सकती हैं या फिर और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे रूम में, जैसे हमारी वुड है तो वुड से भी कुछ ना कुछ जो कंटेमिनेट्स हैं वो आते रहते हैं, वॉल्स हैं वॉल पे पेंट है तो पेंट से भी कुछ ना कुछ कंटेमिनेट हमारे रूम में आते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम VOC बोलते हैं, वो भी तरह तरह की अंदर जो रूम में हम इक्विपमेंट्स या सामान यूज करते हैं उनसे आता रहता है। तो अगर इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ फ्रेश एयर रूम में भेजनी पड़ती है जिससे कि हमारी जो रूम की प्योरिटी है वो मेंटेन रहे। इसी एयर को जो हम फ्रेश एयर भेजते हैं उसी को हम बोलते हैं वेंटिलेशन एयर। सो इन ए कंडीशन स्पेस फ्रेश आउटसाइड एयर इज सप्लाइड टू डाइल्यूट CO2 ऑर्डर एंड अदर कंटेमिनेट्स सच एज VOC एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमें
जो हमारा कंडीशनड रूम होता है जिसको हमने ठंडा रखना है, वहां पे कुछ फ्रेश एयर हम भेजते हैं वहां पे, जिससे कि जो CO2 कंटेंट है उसको हम उसका लेवल को मेंटेन कर सकें, और भी जो अदर कंटेमिनेट्स हैं, VOCs हैं या ऑर्डर है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। सो द अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर दैट इज सप्लाइड इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ एयर इज नोन एज वेंटिलेशन एयर। तो जितना अमाउंट हम फ्रेश एयर का भेजते हैं रूम की एयर की प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन एयर। जनरली वेंटिलेशन एयर इज इन द रेंज ऑफ 30 to 40% ऑफ टोटल एयर। सो जो हमारी रूम की टोटल एयर है उसका अराउंड 30 to 40% हम वेंटिलेशन एयर के फॉर्म में भेजते रहते हैं। बट वहां पे कुछ स्पेसिफिक जगह हमारी ऐसी होती है जहां पे हम 100% फ्रेश एयर ही यूज करते हैं, जैसे कि इन ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो हम वहां की ऑपरेशन थिएटर की एयर को रिसर्कुलेट नहीं किया जाता, पूरी की पूरी फ्रेश एयर बाहर से ली जाती है, उसको रूम टेम्परेचर तक कूल किया जाता है और सीधे सीधे सप्लाई किया जाता है। तो वहां पे हमारा जो सप्लाई लोकेशन है और जो हमारी रूम कंडीशन है, दोनों की दोनों सेम होती है। वहां पे हमारी जो RSHF लाइन है वो नहीं बनेगी। सो फ्रेंड्स, इसी वजह से जो हमारे बड़ी बड़ी जगह होती है, जैसे हमारे ऑडिटोरियम्स होते हैं या जो सिनेमा हॉल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में आते हैं, तो वहां पे हमारे नो स्मोकिंग जोन बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा एयर वॉल्यूम है कि अगर कोई स्मोकिंग वहां पे करेगा या इस तरह की कोई एक्टिविटी करेगा तो हमें बहुत सारा एयर को कूल करना पड़ेगा, कंडीशन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे हमें स्मोकिंग करने के लिए अवॉइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा RSHF हमने निकाला था उसमें हमने वेंटिलेशन एयर को कंसिडर नहीं किया था, तो हम ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर जो निकालते हैं उसमें हम वेंटिलेशन जो एयर हम यूज कर रहे हैं उसको इंक्लूड करते हुए निकालते हैं, यानी कि ये हमारा समहाउ जो एक्चुअल सिस्टम्स हैं उनके ज्यादा करीब है। सो इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल सेंसिबल हीट टू द ग्रैंड टोटल हीट। तो हमारा ये रूम सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल हीट अगर हम रेशियो निकालें तो हमें मिलेगा ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर। सो टोटल हीट, सॉरी, तो टोटल हीट में हमारा क्या क्या आएगा? रूम सेंसिबल हीट जो हम पहले भी ले रहे थे, प्लस OASH। OASH क्या है? आउटडोर एयर सेंसिबल हीट। तो जो बाहर से एयर हमारी आ रही है वेंटिलेशन एयर, उसकी सेंसिबल हीट वाला पार्ट हम ऐड करेंगे, प्लस RLH यानी कि रूम लेटेंट हीट जो हम पहले से ले रहे थे, प्लस OALH यानी कि आउटडोर एयर लेटेंट हीट, इनको हम एडिशनली ऐड करेंगे तो हमारी ग्रैंड टोटल हीट मिल जाएगी। और आउटडोर सेंसिबल हीट के लिए हमारा फॉर्मूला है 0.0204 V0 T0 माइनस TI। V0 क्या है? वेंटिलेशन एयर का वॉल्यूम, जो बाहर से हम एयर ले रहे हैं उसका कितना वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी है, ये V1 नहीं है एक्चुअली, इट इज V0। सो वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड एयर और वेंटिलेशन एयर इन मीटर क्यूब पर मिनट। T0 जो हमारी आउटसाइड एयर है उसका टेम्परेचर, माइनस TI। TI है हमारा रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर, आउटसाइड एयर और रूम टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे लेंगे। ऐसे ही लेटेंट हीट हम निकालेंगे आउटडोर एयर की। सो 50 × V0, V0 है हमारा आउटसाइड एयर का वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं, और ब्रैकेट में ω0 - ωi। तो ω0 है जो बाहर से एयर आ रही है उसकी कितनी ह्यूमिडिटी कंटेंट है, लेटेंट हीट उसमें कितना है, माइनस जो हमारा रूम का ह्यूमिडिटी कंटेंट है। तो इन दोनों की वैल्यूज हम निकाल के इक्वेशन में रख के GSHF निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट पे दिखाया है। उससे पहले कि आउटसाइड एयर हम टोटल हीट भी एक साथ निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है OATH यानी कि आउटसाइड एयर टोटल हीट 0.02 × V0। V0 हमारा वेंटिलेशन एयर का वॉल्यूम है, और इसको अगर हम एंथैल्पी जो है एयर की उसके डिफरेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि H0 आउटडोर एयर की एंथैल्पी माइनस HI यानी कि रूम की एंथैल्पी। सो
हम यहां से OATH डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट पे हमने फ्रेंड सबसे पहले कि ये पॉइंट पोजीशन दिखाया है जीरो, जो कि हमारी आउटडोर एयर है। आउटडोर एयर हमारी सबसे ज्यादा हायर टेम्परेचर पे होगी, सो ये हमने यहां पे दिखाया। उसके बाद ये आई है जो हमारा रूम टेम्परेचर है, ये टू है हमारा सप्लाई कंडीशन है। तो हमने टू को अगर हम रूम कंडीशन से ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RSHF। और इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे सेचुरेशन कर्व तक, यानी कि 0.4, ये हमको मिल गया रूम ADP या रूम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब क्योंकि वेंटिलेशन एयर हम मिक्स कर रहे हैं रूम टेम्परेचर रूम एयर के साथ में, सो जब हमने पहले मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम में देखा है कि दो पोजीशंस की स्ट्रीम्स को जब हम मिक्स करते हैं तो उनका फाइनल जो रिजल्ट है हमको उन दोनों पोजीशन की ज्वाइनिंग लाइन पे ही कहीं ना कहीं मिलता है। सो जीरो पोजीशन की जीरो कंडीशन की एयर जब आई कंडीशन की एयर से मिक्स करेगी तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा वन होगा, जो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन पे होगा। सो जब हम इन दोनों के फाइनल मिक्सिंग पॉइंट को हमारी सप्लाई पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन हमको मिलेगी उसको हम बोलते हैं GSHF लाइन, यानी कि ग्रैंड सेंसिबल हीट लाइन। और जब हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं सेचुरेशन कर्व तक, तो जहां पे ये सेचुरेशन लाइन कर्व को कट करेगी यानी कि लोकेशन थ्री, उसको हम बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट, यानी कि जो हमारा एपरेटस है, जो हमारा कंडीशनिंग सिस्टम है, उसका ये ड्यू पॉइंट है। सो इस ड्यू पॉइंट पे हमें मिनिमम एयर सप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहां पे हमने लिखा भी है फ्रेंड्स, 0.1 रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ एयर एंटरिंग द कूलिंग कॉइल, यानी कि 0.1 पे जो मिक्सचर हमको मिला उसको हम कूलिंग कॉइल में भेजते हैं। लाइन इसको हम कूल और डिह्यूमिडिफाई करेंगे, यहां से फाइनल हमें मिल जाएगा 0.2, जो कि हमारा सप्लाई लाइन है। उसके बाद है लाइन 1-2 रिप्रेजेंट GSHF लाइन, जो हमने अभी बताया। 0.3 रिप्रेजेंट एपरेटस ड्यू पॉइंट, अगर हम GSHF लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं सेचुरेशन कर्व तक तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट ADP। और 0.4 है जो हमारी RSHF लाइन है, उसको अगर हम सेचुरेशन कर्व तक एक्सटेंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रूम ADP या फिर रूम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आपको यहां से क्लियर होगा कि हमारी RSHF और GHF लाइन हमको कैसे बनानी है या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट इज इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा जो हमारा सबसे पहले जो पैरामीटर था वो था रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, उसमें हमने सिर्फ रूम की लेटेंट हीट्स और टोटल हीट को कंसिडर किया। फिर हमने उसमें एक एडिशनल जो आउटडोर वेंटिलेशन ईयर हम लेते हैं उसको ऐड किया, तो हमें क्या मिला, GSHF, यानी कि ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हर किसी कॉयल का एक बाईपास फैक्टर होता है, क्योंकि 100% एफिशिएंट कोई भी कॉयल नहीं हो सकती। और सो सेम केस हमारा यहाँ पे भी अप्लाई करता है। तो हमने अभी तक जो बाईपास फैक्टर है उसको कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है। हमने माना है कि पूरी की पूरी एयर हमारी कूलिंग कॉयल के कॉन्टेक्ट में आ रही है और हमारा सिस्टम 100% एफिशिएंट है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब हम सिस्टम में बाईपास फैक्टर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमें जो पैरामीटर मिलता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। सो दिस इज द मोस्ट करेक्ट एंड नियर टू एक्चुअल कंडीशंस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव सेंसिबल हीट टू इफेक्टिव रूम टोटल हीट। तो यहां पे हम इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट से को डिवाइड करेंगे अगर इफेक्टिव टोटल हीट से, तो हमें ERSHF यानी कि इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर मिलेगा। सो यहां पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो हमने RSH है उसके साथ प्लस OASH में ही BPF यानी कि बाईपास फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन यहां पे कर दी है। ऐसे ही हमने लेटेंट हीट के केस में भी किया है। सो फ्रेंड्स, इसको साइकोमेट्रिक कर्व पे कैसे हम शो करते हैं, तो अगेन वन इज आर आउटडोर कंडीशन, टू इज आर रूम कंडीशन,
इन दोनों को मिक्स करेंगे तो रेशियो पे डिपेंड करेगा कि हमें थ्री जो लोकेशन है वो हमारी कहाँ होगी। अगर मान लीजिए कि हमारा जो आउटडोर एयर का मास 40% है और इंडोर का मास 60% है, तो ये इस लाइन के 40% मतलब 0.4 टाइम्स नियर रहेगा 0.2 की तरफ, यानी कि जो काटेगा जो 3 to 2 डिस्टेंस रहेगी वो 0.4 रहेगी और 3 to 1 डिस्टेंस रहेगी वो 0.6 रहेगी। तो इन दोनों को हमने मिक्स करके हमको मिल गया 0.3 और 0.4 है हमारा सप्लाई कंडीशन। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मैच कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी GSHF। और रूम कंडीशन को अगर हम सप्लाई एयर लोकेशन से मैच कर देंगे तो हमें मिलेगा RSHF। अब इसके बाद आता है हमारा बाईपास फैक्टर। अगर हम रूम कंडीशन यानी कि 2 को ADP को के साथ अगर लाइन को मैच कर दें, या एक लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग ज्वाइन करते हुए खींचे ADP से लेके रूम कंडीशन तक, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ERSHF, यानी कि इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। और अगर हम 3 2 जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें 4 से और ERSHF को कट करें, तो हमें लाइन मिल जाएगी एक 4 से 4 डैश। सो 4 से 4 डैश जो है पैरेलल है 3 2 के, और यहां पे जो हमारी ADP से 4 डैश तक का डिस्टेंस है ये हमारा बाईपास फैक्टर है, और 4 डैश से जो हमारा 2 वाला पॉइंट है वो हमारा है 1 माइनस बाईपास फैक्टर। ये ADP की लाइन पे अगर हम ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं GSF वाली लाइन पे, तो बाईपास फैक्टर होगा हमारा ADP से लेके लोकेशन 4 तक, और 4 से लेके लोकेशन 3 तक हमारा होगा 1 माइनस बाईपास फैक्टर। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट एयर कंडीशनिंग पैरामीटर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। सो ए रूम हैज ए सेंसिबल हीट गेन ऑफ 25 किलोवाट एंड लेटेंट हीट गेन ऑफ 5 किलोवाट। इट हैज टू बी मेंटेन्ड एट 26 डिग्री सेल्सियस DPT एंड 50% RH। सो हमें ये रूम की कंडीशन दे दी है, रूम का टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है 26 डिग्री सेल्सियस DPT, RH रूम में मेंटेन करनी है 50%, और उसमें जो सेंसिबल हीट गेन है 25 किलोवाट एंड लेटेंट हीट इज 5 किलोवाट। साथ ही हमको दिया हुआ है कि 200 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर इज डिलीवर्ड इन द एयर। तो हमारा जो सप्लाई वॉल्यूम है वो हमको दे दिया है, हमको डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सप्लाई है, यानी कि जो हमको एयर है वो कितने टेम्परेचर पे हमको सप्लाई करनी है, कितने RH पे हमको सप्लाई करनी है वो हमको कैलकुलेट करना है। सो हमको गिवन है रूम सेंसिबल हीट 25 किलोवाट, रूम लेटेंट हीट 5 किलोवाट, फाई हमको जो मेंटेन करना है वो हमको दिया हुआ है, वॉल्यूम हमको 200 मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है, TR यानी कि रूम टेम्परेचर भी हमको दिया हुआ है 26 डिग्री सेल्सियस। सो हमें रूम सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है कि जो एयर है अगर हमको सप्लाई करनी है और हमें सिर्फ उसका सेंसिबल हीट गेन हम वहां से निकालना चाहें, तो हम जो हमने फॉर्मूला आउटडोर एयर सेंसिबल हीट के लिए यूज किया था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी डायरेक्टली जो एयर है वो कूलिंग का काम कर रही है, जो एयर सप्लाई हो रही है वही हमारी पूरा का पूरा हीट गेन और जो सेंसिबल हीट है और जो लेटेंट हीट है उन दोनों को कैटर कर रही है। सो वहां से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सो हमारा जो सेंसिबल हीट गेन है वो 25 डिग्री है, सॉरी 25 किलोवाट है। फॉर्मूले में हम 0.02044 × 200 हमारी जो एयर का वॉल्यूम है, और रूम का टेम्परेचर हमको 26 मेंटेन करना है, तो हमें कितने मिनिमम टेम्परेचर पे एयर को भेजना है जिससे कि ये वो सेंसिबल हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। तो यहां से हमको टेम्परेचर मिल जाएगा 19.88 डिग्री सेल्सियस। यहां से हम फ्रेंड्स रूम
सेंसिबल हीट फैक्टर भी निकाल सकते हैं. सो आरएसएच डिवाइडेड बाय आरएसएच प्लस आरएलएच, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.833. सो फ्रेंड्स, हमारे पास में रूम की जो कंडीशन है वो हमारे पास मिली है, हमें रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हमको मिल गया है, और हमको फाइनली निकालनी है सप्लाई एयर की कंडीशन. सो नाउ वी विल मार्क द रूम कंडीशन ऑफ एयर एज 0.1 ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, एंड वी विल मार्क द कैलकुलेटेड आरएसएचएफ. सो फ्रेंड्स, जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें राइट हैंड साइड में जहां पे ओमेगा की वैल्यू दी हुई होती है, उसी के साथ एक और स्केल भी बना होता है जो सेंसिबल हीट फैक्टर का स्केल होता है, तो वहां पे हम इस वैल्यू को मार्क कर सकते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. द पॉइंट वन दैट इज डीबीटी 26 डिग्री सेल्सियस एंड 50% आरएच इज नोन एज अलाइनमेंट सर्कल. सो फ्रेंड्स, यहां पे जो ये वैल्यूज हैं 26 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री आरएच, इनको अलाइनमेंट सर्कल हम बोलते हैं. यहां पे तो हमको रूम की टेम्परेचर भी यही दिए हुए हैं, तो हमारा जो लोकेशन वन है वो अलाइनमेंट सर्कल है. इनकेस हमारे रूम की टेम्परेचर अलाइनमेंट सर्कल से अलग होती है, यानी कि डीबीटी 26 डिग्री सेल्सियस नहीं है और 50% आरएच नहीं है, यानी कि इस पॉइंट से कहीं और हमारा पोजीशन है, तो हमें सबसे पहले अलाइनमेंट सर्कल को मार्क करना है ऐसे केस में, और हमें आरएसएचएफ को उसके साथ ज्वाइन करना है. अभी हम साइकोमेट्रिक चार्ट में इसको और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा. उसके बाद हम जो लाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे 19.88 डिग्री डीबीटी पे और मार्क करेंगे 0.2, जो हमारा सप्लाई कंडीशन के लिए होगा. सो फ्रेंड्स, साइकोमेट्रिक चार्ट में इसको समझ के हम देखते हैं. सो हमारी जो इनलेट रूम की कंडीशन है वो है 26, तो ये हमारा 25 है, ये 30 है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो हम यहां से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे ऊपर 26 से, और ये हमारा है आरएच 50, तो इसको जहां पे कट कर रहा है ये दोनों लाइंस आरएच 50 को, जब ये 26 डिग्री वाली जो लाइन जहां कट कर रही है वो हमारा है लोकेशन वन, इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट सर्कल. अगर हमारी रूम कंडीशन अलाइनमेंट सर्कल से कहीं अलग है, मान लीजिए वो समवॉट यहां पे है 30 और 50% आरएच, तो हमारा पॉइंट आएगा ये 1, तब हम क्या करेंगे कि अलाइनमेंट सर्कल और आरएसएचएफ का जो स्केल है इस लाइन को तो हमें ज्वाइन करना ही है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो हमारी रूम कंडीशंस से होते हुए गुजरेगी. बट यहां पे हमारी अलाइनमेंट सर्कल जो है वो रूम कंडीशन भी है, तो हमें एडिशनल लाइन की यहां पे जरूरत नहीं है. इसी लाइन को हम आरएसएचएफ, ये आप देख सकते हैं कि यहां पे ये 0.80 दिया हुआ है, इसके नीचे ये 0.85 है, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम 0.83 पे इस लाइन को 0.1 जो हमने मार्क किया उससे ज्वाइन कर दिया, और इस लाइन को हम फिर लेफ्ट साइड में इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे. यानी कि हमारे जो सप्लाई एयर का जो कंडीशन है वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होना चाहिए. उसके बाद हम जो हमारी सप्लाई एयर का टेम्परेचर है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं डीबीटी 19.88, तो हम 19.88 से एक लाइन वर्टिकली ऊपर की तरफ खींचेंगे, और जहां ये दोनों लाइंस हमारी कट करेंगी वो हमारा होगा सप्लाई कंडीशन 2. इस पॉइंट पे हम वेट बल्ब टेम्परेचर निकाल सकते हैं और आरएच भी निकाल सकते हैं. तो यहां पे आप देखेंगे कि जो आरएच की लाइन जो इसके सबसे पास से होकर गुजर रही है वो है 70 और इसके आगे है 80. सो ये 70 से थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो समवॉट ये 72 अप्रोक्स है. ऐसे ही हमारे जो वेट बल्ब टेम्परेचर की जो लाइंस हैं वो एंथैल्पी लाइंस के पैरेलल होती हैं, तो जो लाइंस हमारी एंथैल्पी वाली आ रही है इसके पैरेलल एक लाइन हम इस पॉइंट से खींचेंगे जिसको हमने पर्पल लाइन से दिखाया. अब जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है वो सेचुरेशन कर्व पे हमारे जो डीपीटी दिया होता है उसके बराबर होता है, तो इस पॉइंट पे हमारे वेट बल्ब टेम्परेचर और डीपीटी बराबर है. तो यहां पे टेम्परेचर हमको ये 15 है और यहां पे 20 दिया हुआ है, और नीचे से आप देखेंगे तो ये एक लाइन एडिशनल यहां से आई हुई है, ये अप्रोक्स 16 है. सो हमारा जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो हो गया 16 और हमारी जो आरएच हो गई वो हो गई 72. सो वही फ्रेंड्स हमने अप्रोक्स यहां पे लिखा है कि वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा हो गया 16.2 और आरएच हो गई हमारी 72. क्योंकि ये जो लाइन यहां से हमारी जो 16 से ऊपर जा रही है इससे समवॉट ये थोड़ा सा आगे है, तो हमने 0.2 एडिशनल लिया है डब्ल्यूबीटी में. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ये एयर कंडीशनिंग प्रोसेस वाला वीडियो
वीडियो है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है, जैसे कि स्प्लिट एसी है और जो हमारी कार एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.